हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है वो HCI के अंदर पढ़ेंगे मेन्यू सिलेक्शंस, फॉर्म फिलिंग एंड डायलॉग बॉक्सेस के बारे में। यूज़र इंटरफेस के अंदर ये चीज़ सारी होती हैं हमारे पास, में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा आज पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं इनके बारे में। एक्चुअल में हमारा जो मेन गोल होता है, प्राइमरी गोल जो होता है हमारे पास फॉर्म फिलिंग का या डायलॉग बॉक्सेस डिज़ाइनर जो बनाते हैं, तो वो क्या बने, उनका मेन गोल ये होता है कि वो सेंसिबल, मेमोरेबल एंड कन्वीनियंट ऑर्गेनाइजेशन यूज़र के टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो रिलेवेंट हो, यूज़र के टास्क के अकॉर्डिंग उस हिसाब से वो है, फिर जो है वो कोई फॉर्म फिलिंग बटन वगैरह वो बनाए। अब हम बात करते हैं सिंगल मेन्यूज़ की। तो सिंगल मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, ये चीज़ देखें, यहाँ पे हमारे पास एक होता है बाइनरी मेन्यूज़, नोमेनक्लेटर, रेडियो बटन, बटन चॉइसेस, तो ये सिंगल मेन्यूज़ के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, कि व्हाट इज़ योर मार्शल अमाउंट कहते हैं ना भाई, तो आपकी जो है वो स्टेटस क्या है, सिंगल है, मैरिड है, विडोर है, क्या है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर्म फिलिंग के लिए एक या तो ये टेक्स्ट लिख दें, तो भाई एक सिंपल टेक्स्ट बना दो आप लोग कि उसके अंदर लिखना है कि स्टेटस क्या है आपका, और आप खुद ही लिखेंगे कि सिंगल है या क्या है, क्या है। या सिंपल आप लोग क्या है, रेडियो बटन जैसे हमने बनाया है मेन्यू से, रेडियो बटन बना दिए हैं, ठीक है, कि इसके अंदर ये चीज़ कर दिया कि इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से हमारे पास क्या है कि जैसे कि अगर आप लोग कोई फोल्डर को डिलीट कर रहे होते हैं, तो आपके पास ये विंडो खुल के आ रही होती है छोटी सी, और यस सर नो, अगर आप नो करेंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, यस करेंगे तो वो कर देगा। आप देखें यहाँ पर वो आस्क कर पूछ रहा है आपसे, सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल जो वो क्लिक करना है आपको इन बटन से, या इस पर, या इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सिंगल मेन्यूज़ के अंदर आ जाती है चीज़ें कि आप क्लिक करेंगे, नो पे क्लिक करना है या यस पे क्लिक करना है, और आप इजीली जो है वो डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल आइटम मेन्यूज़ की, जब आप बात करें चेक बॉक्सेस की, तो जैसे आप लोग वेब में पढ़े हैं चेक बॉक्सेस, तो चेक बॉक्स हमारे पास क्यों यूज़ होते हैं आपको पता है, हम अगर कोई मल्टीपल चीज़ है, मल्टीपल आइटम्स को अगर हम कोई सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं, तो हमें जो वो मल्टीपल की ज़रूरत पड़ती है सिलेक्ट करने के लिए, हमें चेक बॉक्सेस ज़रूरत पड़ती है कि हमें ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, या इसको भी टिक करना है, इसको भी टिक करना है, मीन्स मल्टीपल आइटम्स जो हमारे पास हैं उनको सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास चेक बॉक्सेस की यूज़ होती है। तो मल्टीपल सिलेक्शन मेन्यूज आर चेक बॉक्सेस, तो ये भी हमारे पास सिंगल मेन्यूज कहते हैं, और इसका वर्क क्या होता है कि हम मल्टीपल आइटम्स जो वो सिलेक्ट कर पाती हैं। अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं, आप लोग कहते हैं भाई मुझे ये भी चाहिए, आता है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये आपको अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाते होते हैं सेमेस्टर की, यूनिवर्सिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, आपको ऑफ़र होते हैं कोर्स, कौन कौन से ऑफ़र आप कोर्स लेना चाह रहे होते हैं, तो आप मल्टीपल जो है वो कोर्सेज सेलेक्ट कर पा रहे होते हैं। देखिए ये 10 कोर्सेज हैं, इनमें से कौन कौन से आपको 6 कोर्सेज या 5 कोर्सेज जो वो चाहिए, तो फिर आप लोग क्या करते हैं उस हिसाब से चेक बॉक्सेस के थ्रू आप उन कोर्सेज को सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारे पुल डाउन और पॉप अप एंड टूल बार मेन्यूज़। तो पुल डाउन मेन्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आर अवेलेबल टू द यूजर बाय मेकिंग सिलेक्शन ऑन अ टॉप मेन्यू बार। हमारे पास जो पुल डाउन मेन्यूज आप लोगों ने देखे होंगे, पुल डाउन मेन्यू वही मेन्यू है जो हमारे पास सिलेक्ट के थ्रू हमने PHP के अंदर या वेब के अंदर आप लोग पढ़े होंगे, सिलेक्ट का टैग लगाकर जब यूज़ कर रहे होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स वी कैन से ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप क्लिक करते हैं और उसमें से हमारे पास कुछ ऑप्शन आ रहे होते हैं कि सिलेक्ट कंट्री, आप क्लिक करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम आ रहे होते हैं, पाकिस्तान और चाइना, अफगानिस्तान, USA, इंडिया, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे कंट्रीज़ के नाम आ रहे होते हैं और आप लोग उसमें से सिलेक्ट करते हैं। तो पुल डाउन मेन्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, एक किस्म से ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ होते हैं, प्रोवेबल होते हैं, यूज़र जो है वो कोई एक सिलेक्शन कर रहा हो किसी कंट्री के बारे में कि भाई आप किस कंट्री में रहते हो, या आप किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो हमदर्द से कर रहे हैं, मेहरान से कर रहे हैं, NID से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, तो आप लोग उस ड्रॉप डाउन के थ्रू, जी पुल डाउन मेन्यू और ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू आप पर्टिकुलर सिलेक्शन जो वो कर सकते हैं आपके पास। और इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टूल बार और आइकन मेन्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि जो हमारे पास ये वाली चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़ें ये हमारे पास टूल बार है, अगर हम इस पर क्लिक, इंसर्ट पर क्लिक करें, डिज़ाइन पर क्लिक करें, तो ये हमारे पास क्या है, ये टूल बार मेन्यूज़ कहलाती हैं। तो ये कौन से मेन्यूज़ कहलाते हैं, ये हमारे पास टूल बार मेन्यूज़ कहलाते हैं। और अगर हम इस पर फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर रहे होते हैं इंसर्ट पर जाकर, ठीक है, और होम, इसके छोड़े एक मिनट, ये देखें ये चीज़, ये वाली जो चीज़ हमारे पास है, ये वाली चीज़ आपकी है ड्रॉप डाउन मेन्यू का, आपको क्या सिलेक्ट करना है यहाँ से, और ये वाली जो चीज़ें हैं
ये वाली चीज़ें आपके पास है, ये वाली चीज़ आपकी टूल बार जो है वो आइकन है, टूल बार मेन्यू है आप। और पॉपअप मेन्यू जो होते हैं हमारे पास होते हैं वो हिडन हिडन होते हैं। अपीयर्स ऑन डिस्प्ले इन रेस्पॉन्स टू चेक आर टैप विद अ पॉइंटिंग डिवाइस, वो एक्चुअल में हिडन होते हैं, जब हम क्लिक करते हैं ठीक है तब हमारे पास वो विजिबल होते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जावास्क्रिप्ट में पॉपअप आ रहे थे हमारे पास ठीक है, अगर कोई क्लिक कर रहे थे चल गया पॉपअप यस आर नो, तो ये हमारे पास पॉपअप जो होते हैं मेन्यूज होते हैं। तो पॉपअप मेन्यूज क्या होते हैं, हिडन होते हैं और हमारे पास अपीयर होते हैं डिस्प्ले इन रेस्पॉन्स। और कब होते हैं, अपीयर ऑन डिस्प्ले इन रेस्पॉन्स टू चेक आर टैप विद पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो हम इसकी जो वो एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, कि आप लोग देखें ज़रा यहाँ पे हमने ये क्लिक किया इस पर ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद इसके रेस्पॉन्स जब अब यहाँ पे आए तो इसकी विजिबिलिटी में ये चीज़ आ गई, अब यहाँ पे पॉइंटिंग दिया तो इसकी विजिबिलिटी में ये चीज़ आ गई। तो देखिए हमारे पास क्या है, अपीयर एंड डिस्प्ले इन रेस्पॉन्स टू चेक आर टैप विद पॉइंटिंग डिवाइस। तो आपको अब समझ आ गया ये वाली चीज़ की अपीयर कहाँ होते हैं, डिस्प्ले ये अपीयर होते हैं रेस्पॉन्स करने के लिए कि ये एक्चुअल में हिडन है। देखें हमने ये जब खोला था हिडन थे नहीं आए थे, जब हम यहाँ पे आए तब ये चीज़ यहाँ पे आ गई ठीक है, और इसके रेस्पॉन्स में जब यहाँ पे आए तो ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पॉपअप डिवाइसेस पॉपअप मेन्यूज कहलाते हैं। और स्क्रॉलिंग डाउन जो मेन्यूज होते हैं हमारे पास लॉन्ग लिस्ट में होते हैं, हम क्या कर रहे थे ये देखिए ये चीज़ ये वाली चीज़ जो हमारे पास ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर गौर से देखेंगे आप लोग तो ये स्क्रॉल डाउनिंग की हमारे पास मेन्यूज हैं जो लॉन्ग लिस्ट स्क्रॉलिंग हम कर रहे होते हैं। फर्स्ट पोजीशन ऑफ मेन्यूज एंड एडिशन मेन्यूज आइटम टिपिकली एन एरो लीड्स टू नेक्स्ट सेट ऑफ आइटम्स इन जो मेन्यू सीक्वेंस, तो हम जो वो स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं ये स्क्रॉलिंग मेन्यूज के अंदर आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स एक्चुअल में कंबाइन है स्क्रॉलिंग मेन्यूज विद द टेक्स्ट एंट्री। हमारे पास क्या कॉम्बो बॉक्स जो होते हैं वो टेक्स्ट एंट्री के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं ठीक है। और फिश आई मेन्यूज़ वो मेन्यूज़ होते हैं कि हमारे पास जो है सब चीज़ें दिख रही होती हैं ठीक है, बट हम थोड़ा जब कर्सर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगी ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, फुल साइज़ हो जाएगी हमारे पास, हमें इजीली दिखने में होगी। हटाएंगे तो सारी चीज़ें एक जगह हो जाएंगी, जब यहाँ पे आएंगे तो दोबारा फुल साइज़ में कर्सर जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो फुल साइज़ में शो होगी। मीन फिश आई मेन्यूज़ डिस्प्ले ऑल ऑफ द मेन्यू आइटम ऑन द स्क्रीन एट वंस बट शो ओनली आइटम्स नियर टू कर्सर एट फुल साइज़। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कर्सर जहाँ पे जाएगा तो फुल साइज़ में हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है फुल साइज़ के अंदर शो हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास मेन्यूज आ जाती है। मेन्यूज फॉर लॉन्ग लिस्ट में स्लाइडर एंड अल्फा स्लाइडर्स, तो स्लाइडर्स अल्फा स्लाइडर्स क्या कर रहे हो तो देखें ये व्हेन आइटम, ये सारी जो मेन्यूज है ना ये देखें हमने क्या कर रहे हैं, हम जो है यूज़र इंटरफेस यूज़र के टास्क ईजी हों, यूज़र को आसानी से चीज़ें समझ आएँ, इसलिए हम उस हिसाब से ये डिज़ाइन कर रहे हैं ठीक है जो मेन्यूज़ हैं। तो ये सब चीज़ें यूज़र इंटरफेस की हैं। तो हाउ वी कैन क्रिएट एन ईजी एंड जो है इंटरेक्टिव यूज़र इंटरफेस, तो यूज़र को जो इंटरेक्टिव लगे। तब बात करें स्लाइडर्स की, वेन आइटम्स करते जो रेंजेज आर न्यूमरिकल वैल्यूज, जब हमारे पास कोई ऐसी जो है वो रेंज स्लाइडर हो जिसमें न्यूमरिकल ही हो, जो यहाँ से 1 से लेकर 0 से लेकर 100 के बीच में हमें कोई नंबर सेलेक्ट करना हो तो उससे हम कहते हैं स्लाइडर। उस तरीके से अल्फा स्लाइडर क्या होते हैं, यूजेस मल्टीपल लेवल्स ऑफ ग्रेडुअली मूविंग इन स्लाइडर, इसके अंदर हम अल्फाबेटिकली चेक कर रहे होते हैं ए पे जाना है बी पे जाना है सी पे जाना है। अगर यहाँ पे गौर करें आप लोग तो हम जहाँ पे जाना चाहें वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी, तो आपको ये दिखा देंगे देखिए ना स्लाइडर कंट्रोल सिंगल वैल्यूज, तो यहाँ पे देखें 0 से 100 के बीच में आप अपनी मर्जी से जो है वो कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है। देखिए स्लाइडर इमेज शोन कंसिस्ट ऑफ रेंज वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 100, और हमने एक जगह पे रखा हुआ है। आप लोग जैसे रेडियो होता था याद है, मतलब रेडियो होता था जिसमें हम इस तरीके से चलता था, अगर बटन दबा दे तो इस तरीके से FM चलता था 92 95 109 किसमें 110 105 पे जाना है नहीं जाना, अगर आप लोगों ने रेडियो देखा हो तो पहले रेडियो इस किस्म के होते थे, उसे क्लिक करते थे तो इस तरीके की एक मूव होता था। तो ये हमारे पास स्लाइडर अल्फा ये स्लाइडर है, इस तरह से अल्फा स्लाइडर हमारे पास ये देखें तो ये वाली चीज़ ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो ए बी सी डी यू लिखा हुआ है और आपकी मर्जी है आप कहाँ पे इसको जो वो फिक्स करना चाह रहे हैं, ए पे जाना चाह रहे हैं बी पे जाना चाह रहे हैं सी पे जाना चाह रहे हैं कहाँ पे जाना चाह रहे हैं आप लोग। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्लाइडर्स हैं अल्फा स्लाइडर्स के स्लाइडर्स हैं सिंगल मेन्यूज़ के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास होते हैं टू डायमेंशन मेन्यूज़। टू डायमेंशन मेन्यूज गिव यूजर्स अ गुड ओवरव्यू ऑफ चॉइसेस, रिड्यूस द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एक्शन एंड अलाउ रैपिड सिलेक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या है
ऐसा नहीं है कि एक पहले सिलेक्ट क्लिक करें उसके बाद दूसरे ऑप पे जाएं, तीसरे पे क्लिक करें उस पे जाएं। तो टू डायमेंशन जो मेन्यूज हैं ये रैपिड एक्शन है, हमारे पास जो नंबर ऑफ एक्शन हैं उनको रिड्यूस कर रहे होते हैं और हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे इजीली डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है, ये वाले एग्जाम्पल देखें आप लोग, तो ये टू डायमेंशनल मेन्यू हमारे पास, आप चाहें तो इस पर क्लिक करें, आप चाहें तो इस पर क्लिक करें, इसके अंदर देखें ये चीज़ें देखें, वरना आपको क्या करना है इस पर अंदर जाते उसके बाद आप इस पर आते, और आपकी मर्जी है आप लोग क्या करें, डायरेक्ट स्कैनिंग करने से पहले आप लोग चाहें तो इस पर आ सकते हैं, चाहें तो इस पर आ सकते हैं, चाहें तो इस पर आ सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मेन मेन्यू पे क्लिक ना करें, ये टू डायमेंशन मेन्यूज है हमारे पास, ठीक है, आप इजीली किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आप प्रोग्राम पे जाते हैं उस प्रोग्राम को सिलेक्ट करते हैं और अनइंस्टॉल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अनइंस्टॉल पे करेंगे आपको आ जाएगा कौन सा प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है। तो ये टू डायमेंशन मेन्यूज हमारे पास हैं जो यूज़र को रैपिड एक्शन के लिए सिलेक्शन करने में ईजी रहते हैं और जल्दी सिलेक्ट कर सकता है जो यूज़र है वो। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे ये टू डायमेंशन मेन्यूज़ का एग्जांपल है, आप लोग मर्जी है तो इजीली जो है वो क्लिक आउट कर सकते हैं आप लोग। और उसके बाद हमारे पास एम्बेडेड मेन्यूज़ आ जाते हैं। तो एम्बेडेड मेन्यूज़ हमारे पास जो है वो एक्चुअल में एक मेन्यू दूसरे मेन्यूज़ के साथ जो है वो लिंक्ड होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एक मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो दूसरे उसके रिलेटेड उसके रिगार्डिंग जो होगा दूसरा मेन्यू जो है वो खुल जाएगा। तो जैसे कि अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्यों यूज़ होता है और क्यों बेनिफिशियल है, ये इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर आप लोग देखें एक मेन्यू पे जाते हैं तो आपको, जैसे आप किसी मार्ट में जाते हैं आपको पता है कि आपको कपड़े लेने हैं या आपको क्या लेना है, अगर कपड़े के लिए कुछ बच्चों का कपड़े लेना है, टी शर्ट लेनी है, शर्ट लेनी है, तो आप उस पर्टिकुलर कपड़े के मार्केट के अंदर चले जाएंगे, जो पार्ट होगा उसके अंदर चले जाएंगे। अगर आपको खाने पीने की चीज़ लेनी है तो उसके पार्ट में चले जाएंगे। इस तरीके से जो वेबसाइट बनाते हैं तो एम्बेडेड मेन्यूज का काम होता है कि आपको क्या चीज़ देखनी है। अगर आपको ये कंट्रीज है हमारे पास, जैसे कि कॉन्टीनेंटल है हमारे पास कुछ जो है, तो यहाँ पे देखें एग्जांपल को देखें सर आप लोग, तो हम एग्जांपल को देखें आप लोगों को आसानी समझ आ रहे हैं। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा और बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे यूरोप है। आप लोग कहते हैं कि हमें यूरोप को देखना है कि यूरोप के अंदर कितने कंट्रीज हैं, ठीक है, तो या यूरोप के पीपल्स को देखना है, यूरोप के जो है वो कल्चर्स को देखना है, तो आप यूरोप पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया आ गया, जर्मनी आ गया, निकोशिया मीन साइप्रस का जो कैपिटल है वो आ गया, फ्रांस, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। और आप आयरलैंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आयरलैंड, आप कहते हैं यूरोप के अंदर आयरलैंड के बारे में मुझे चेक करना है कि भाई जो है वो चीज़ क्या है, तो आपको आयरलैंड पे क्लिक करेंगे, देखिए आयरलैंड आपका, तो उसके बारे में आपको जो भी जो मालूम चाहिए होगी तो वो इजीली आपको, अगर आप लिखेंगे यूरोप के बारे में आपको चाहिए, आयरलैंड की मालूम इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप यूरोप लिखेंगे तो आपको कोई पूरे यूरोप के बारे में बताएगा। अब चाहते हैं यूरोप के अंदर पर्टिकुलर चीज़ को देखना है, आयरलैंड को देखना है, तो देखिए ये एम्बेडेड है, हमने यूरोप पे क्लिक किया हुआ है, यूरोप पे क्लिक मीन यूरोप पे जो कर्सर को पकड़ा हुआ है, तो हमारे पास ये आयरलैंड आ गया है साथ में, मीन यूरोप के जो भी हमारे पास कंट्रीज थे वो सारे खुल गए। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसानी है, वरना आपको क्या करना पड़ता, अगर बहुत सारे कंट्रीज होते तो एक को देखना पड़ता कि ये यूरोप का पार्ट है या किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, चेक करना पड़ता। अभी आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको डायरेक्ट सिंपल यहाँ पे क्लिक किया और यूरोप की सारी चीज़ें खुल गई। आपको पता है कि इनमें से जो भी कंट्री होंगे यूरोप के ही होंगे, यूरोप के अलावा कोई भी चीज़ नहीं होगी, तो आप इजीली जो है इस पर क्लिक करके इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये एम्बेडेड मेन्यू कहलाते हैं। तो आपको जो है एम्बेडेड मेन्यूज़ के बारे में पता चल गया और आप लोग इजीली जो है वो एम्बेडेड मेन्यूज़ के बारे में समझ गए हैं, ठीक है।